अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। चलें जी, आज मैं आज आप सब के लिए लेके आई हूँ डाइट प्लान, और वो भी सिंपल तरीके से जो आप घर में आराम से कर सकते हैं और आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो हम बातें बंद करते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं कि हमने सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक क्या लेनी है। अच्छा जी, जो हमने मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है वो हम लेंगे ज़ीरा, भी आप ले सकते हैं गरम गरम पानी के अंदर, ठीक है, या फिर आप इसके लेमन प्लस नीम गरम पानी, ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं लेना तो फिर आप रात के टाइम आप ऐसे करें कि आप जो दालचीनी है यानी कि सिनेमन, ठीक है, उसको आपने एक गिलास पानी के अंदर डाल के रख देना, ठीक है, और आपने सुबह उठ के वो पी लेना है। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका बेली फैट जो होगा, ठीक है, वो रिड्यूस होगा। तो अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। अच्छा, हमने ब्रेकफास्ट में क्या लेना है? अच्छा, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत सिंपल डाइट प्लान है जो हम आराम से हम घर में कर सकते हैं, ठीक है, और इससे मैंने वेट लूज़ किया हुआ है पहले भी, और घर में सिर्फ सिंपल तरीके से आपने ब्रेकफास्ट और लंच डिनर रेडी करना है और आपका जो वेट है वो लूज़ हो जाएगा। उसके साथ मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कोई स्पेशल रेसिपीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो घर में हम खाना बनाते हैं उसी से आपने वेट लूज़ करना है। इससे आसान कोई और चीज़ हो सकती है? चलें जी, पहला हमारे पास जो ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के अंदर वो हमने क्या करना है, वाइट एग योक के बगैर, ठीक है, वो उसका आमलेट बना लें आप, प्लस दो स्लाइस ब्रेड, वो चाहे आप वाइट ब्रेड ले लें चाहे आप ब्राउन ब्रेड ले लें, ठीक है, उनका आपने नाश्ता अपना बना लेना है। और साथ अगर आपने चाय लेनी है तो चाय आप या टी जो आप लेना चाहते हैं वो ले लें। अगर चीनी नहीं डालनी तो भी ठीक है, अगर चीनी डालनी है तो थोड़ी सी चीनी डाल लें, अगर चीनी भी नहीं डालनी आप एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा वो कप में रखें और उसके ऊपर से आपने छाननी रखनी है और चाय को छान लेना, उसके अंदर मिठास आ जाएगी, ठीक है, और प्लस ये कि वो आपके लिए प्लस पॉइंट भी होगा वेट लॉस करने के लिए। और इस डाइट प्लान से आप 20-30 kg आप वेट लॉस कर सकते हैं विद इन 3 months, और ये सिंपल तरीका है जो मैं आपको बताऊंगी जो हम घर में कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गया ब्रेकफास्ट। अगर ये ब्रेकफास्ट आपने नहीं करना तो आप ओट्स जो होते हैं वो भी बना सकते हैं, ओट्स लें, ठीक है, उसको आप गर्म पानी के अंदर डालें और उसको कुक कर लें और वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ब्रेकफास्ट में यही प्रेफर करती हूँ कि आप ये वाला ब्रेकफास्ट लें, ठीक है। अच्छा, इसमें आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आपका दिल करे कि आपने अब लंच करना है, ठीक है, और लंच के दरमियान और ब्रेकफास्ट के दरमियान में अगर आपको भूख लग जाती है तो आप कोई भी फ्रूट उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं लंच की तरफ। अच्छा जी, लंच में आपने ऐसे करना है, आपने एक बाउल जो है वो सैलड का बना लेना है, ठीक है, सैलड, और जितना हो सकता है ना आपने उसके बाद पानी पीना है, 2-3 glasses पानी के, ठीक है, 2 glasses या फिर 3 glasses ये आपने पानी के पीने हैं। और अच्छा, उसके साथ आपने रोटी जब आपने खानी है, बेशक आप एक रोटी रख लें पूरी प्लेट के अंदर, लेकिन आपसे हाफ़ रोटी खाई जाएगी, ठीक है, अगर आप एक खा रहे हैं तो आपने हाफ़ रोटी कर देनी है, ठीक है, हाफ़ रोटी प्लस सब्ज़ी जो भी आपको पसंद है जो घर में बनी हो, आराम से आप वो सब्ज़ी इंजॉय करें। आपको कोई एक्स्ट्रा डिशेस बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा सैंडविचेज या ये वो कुछ भी जो बनाना मुश्किल होता है डेली रूटीन के अंदर, डेली बिजी रूटीन के अंदर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सालन बना हुआ है वो आपने लेना है और साथ आपने उसके साथ हाफ़ रोटी ले लेनी है, और आपने 2 glasses पानी पीना है खाना खाने से पहले या 3 glasses, ठीक है, और आपने एक बाउल सैलड साथ ले लेना है, ठीक है जी। ये आपका खाना हो गया लंच का टाइम, ठीक है। उसके बाद अब आपका लंच और डिनर के दरमियान में जो टाइम आ जाता है हमारे पास, ठीक है, अब उस टाइम पे आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लंच किया है 12 बजे, ठीक है, तो आपने 1 से 5 बजे के दरमियान आपने क्या करना है, अगर आपका चाय पीने का दिल कर रहा है आप चाय भी पी सकते हैं, थोड़ा सा दूध डाल लें और 1 cup जो है उसमें पानी डाल लें और एक चाय बना लें, ठीक है। अगर आपने चाय नहीं पीनी ग्रीन टी पी सकते हैं, ठीक है जी, टी ले लें या फिर आप ग्रीन टी ले लें, ठीक है, या फिर आप
जो हमारी अदरक की जो टी होती है, ठीक है, वो वाली भी ले सकते हैं, जो आपका दिल करे आप चेंज कर करके लें, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने इसके साथ, इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने सारा दिन आपने डिटॉक्स वाटर का एक जग बना लेना है, ठीक है। डिटॉक्स वाटर जो है उसकी जो रेसिपी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो आपने डिटॉक्स वाटर कैसे बनाना है, ठीक है। वो आपने सारा दिन वो वाला पानी भी पियेंगे, आप देखेंगे कि उससे आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप सादा पानी पिए, वो इतना मज़ेदार पानी होता है, आप उसको पियेंगे और इंशाल्लाह आप उसको इंजॉय करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अब हम आ जाते हैं डिनर की तरफ, जो शोर है उसको आप इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, डिनर में अब हमने क्या करना है, डिनर में आपने करना है मगरिब टाइम आपने एक दूध का गिलास ले लेना है जो गर्म हो, ठीक है, एक मिल्क गिलास, और उसके अंदर आपने इस भूगोल का छिलका, ठीक है, इस भूगोल जो है वो आपने एक स्पून डाल लें, दो स्पून डाल लें, और इसको डालने के बाद आपने इसको रख देना है, ठीक है, 5-10 मिनट, उसके बाद आपने इसको पी लेना है, और इससे आप फुल फील करेंगे, फाइबरस फील करेंगे, और आपका पेट भरा भरा होगा, ठीक है। और ये जो डिनर है ये आपने 8 बजे तक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने 10-15 मिनट वॉक करनी है, और अच्छा अब आपने वॉक कर ली, उसके अलावा आपने कोशिश करना है कि जो आपने पानी है वो सारे दिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करना है, और इसके अलावा अगर आपको फिर भी भूख ज़्यादा लगती है तो आप जैसे कोई भी फ्रूट है जैसे एप्पल है या अनार आ जाते हैं, ठीक है, वो आपने जब आपको भूख लगे आप खा लें, ये फ्रूट्स ऐसे ही आपका वेट गेन नहीं करेंगे, ठीक है, उनको आप खा लें, स्लाइस कट करके खा लें। और जब मैंने डाइट की थी मेरा तो जितना दिल करता था मैं अनार खाती थी, इसमें कोई ही क्वांटिटी की वो नहीं है, जब आपको भूख लगे बेशक आप अनार खा लें, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है इसके साथ। अच्छा, ये एक्सपीरियंस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ इसमें, और ये डाइट प्लान मैंने खुद ही बनाया हुआ, खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया हुआ है पहले से, ठीक है। और जी, उसके अलावा अगर आपका सारे दिन में कोई एनर्जी बार खाने को दिल करे, कुछ मीठा खाने को दिल करे, तो वो भी आप रख सकते हैं, आप उसका छोटा पीस खा लिया करें, ठीक है। अब जैसे जी ये मैं लेके आई थी, ये इम्तियाज़ से लेके आई थी ये एनर्जी बार, इसके ऊपर आलमंड्स लगे हुए हैं, ठीक है ये, और इसकी जो प्राइस थी वो 200 थी, ये रखे 199 है। तो ये भी अगर मेरा दिल करे कभी भूख लगे तो ये भी आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये डाइट प्लान था, अब आप इसको इम्प्लीमेंट करें, और इसके साथ आपने कोशिश ये करनी है कि आप एक्सरसाइज करें, और दिल से करें एक्सरसाइज, जोगर पहन लें, स्नीकर्स पहन लें, और पहन के जहाँ पे आपको जगह मिले आप वो एक्सरसाइज करें। अगर एक्सरसाइज नहीं आप कर सकते, आप रूम लॉक करें, ठीक है, थोड़ा सा म्यूज़िक लगाएं और अपने आप को थोड़ा बहुत मूव करना शुरू करें, और आपका दिल करेगा कि आप एक्सरसाइज करें, आपको मज़ा आने लगेगा। और वो लोग, अब जैसे गर्मी आ रही है, अगर आप कुछ मोटा कपड़ा पहन के आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो जल्दी वेट लूज होगा, ठीक है जी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये हमारा नया चैनल है, मैं आपके लिए बहुत कुछ लेके आऊँगी, और जी काफ़ी सारे लोग हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है वो टाइम पर आपको मिल सके। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसिस ये सब मैं शेयर करती रहूँगी। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ ना समझ आ रहा हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो हमारी तरफ से भी वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।